नमस्ते बच्चों, एक बार फिर वीडियो में इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है जो वीडियो रिलीज हो रहे हैं इनको आप बड़े ध्यान से गंभीरता से सुनते होंगे, देखते होंगे और निश्चित रूप से इनसे लाभान्वित होते होंगे। चौथा जो अध्याय है हमारे देववाद वो पूर्ण हो चुका है। आज हम चर्चा करेंगे पांचवें पाठ, पांचवां अध्याय, और पांचवें पाठ का नाम है बच्चों आपके कृपाराम खंडिया। क्या नाम है? कृपाराम खंडिया। इनके बारे में मैं बता दूं आपको, पाली जिले के खराड़ी गांव में, खराड़ी गांव में जन्म होने के कारण इनका उपनाम खंडिया हुआ। जाति से ये चारण थे, जाति से क्या थे ये चारण थे। इनके पिता का नाम जगराम था, देवी सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह। देवी सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह के यहां ये रहे और इनको यानी इनके दरबार में रहे कृपाराम। देवी सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह के दरबार में, और देवी सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह इनकी काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर इनको दो गांव इनाम में दिए कृपाराम। कौन कौन से दो गांव इनाम में दिए देखो, महाराजपुर एक तो, और दूसरा लक्ष्मणपुर। ये दो गांव उनको जागीर भी दिए, इनाम भी दिए, पुरस्कार भी दिए। सीकर नरेश, इनकी रचनाओं में राजी रस और था। कृपाराम की रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहली राजियारा सोर,
दूसरी रचना चार गणेश और एक अलंकार, ये इनकी तीन रचनाएं। आपके जो पाठ्यक्रम में है वो इसमें से है, राजियाला सोठा में से है, तो मूल तो राजियाला सोठा है, इसमें लगभग 140 सोठे हैं। कितने सोठे हैं? 140। अब हम इस पाठ के बारे में देखें तो राजियाला सोठा इसका नाम क्यों है? इसका नाम होना चाहिए कृपा राम रा सोठिया सोठा, क्योंकि लेखक कौन है? कृपा राम, लेकिन नाम क्या रखा उन्होंने? राजियाला सोठा। देखो इसमें क्या है, कृपा राम के एक सेवक था जो इनकी सेवा करता था, जिसका नाम था राजा राम। कृपा राम के सेवक का नाम क्या था? राजा राम। राजा राम इनका विश्वसनीय सेवक था, विश्वास मात्र सेवक था। कृपा राम राजा राम के ऊपर बहुत विश्वास करते थे, भरोसेमंद सेवक था इनका। तो एक रोज, कई रोज से कृपा राम देख रहे थे, कृपा राम कई रोज से देख रहे थे कि जो राजा राम है वो बड़ा उदास रहता है, हंसना बोलना बिल्कुल कम कर दिया, बंद कर दिया, काम से काम लगता। तो कृपा राम ने देखा कि भाई ये मेरा भरोसे का सेवक है, लंबे समय से है, ऐसा क्या कारण हो गया, ऐसी क्या बातें हो गई जिसके कारण ये इतना दुखी है, बोल नहीं रहा, हंस नहीं रहा। तो उन्होंने राजा राम से पूछा कि भाई तुम्हारे दुखों का, तुम्हारी उदासी का क्या कारण है? तब राजा राम ने कहा कि साहब कुछ भी कारण नहीं है, मैं तो ऐसे ही हूं। कि नहीं, कोई कारण तो है, अरे हंसने वाला खूब बोलने वाला व्यक्ति यदि अचानक चुप हो रहने लगे तो चिंता की बात है। कि नहीं साहब, मैं तो ऐसे ही चुप हूं, तो हंस क्यों, हंसता क्यों नहीं? कि साहब हंसी आती नहीं। कि नहीं, कोई ना कोई बात तो है। जब बार बार कृपा राम ने राजा राम से पूछा तब राजा राम ने कहा कि साहब एक चिंता है मेरी। कि बोलो क्या चिंता है? कि मेरे लड़का नहीं, बेटा नहीं है मेरे। ये तो पक्का है कि संसार में जो आता है, जो जन्म लेता है, उसकी मृत्यु होती है, तो मेरे बेटा नहीं है। तो कल जब मैं मर जाऊंगा तो संसार में तो मेरा तो कोई नाम लेने वाला ही नहीं होगा, संसार में मेरा नाम ही नहीं चलेगा। ये मेरी चिंता का कारण है कि संसार में मेरा नाम कैसे चलेगा, बेटा है नहीं। यदि बेटा होता जब तो बेटे के आधार पर लोग मेरे को जानते हैं, साहब उसका बेटा है, उसका पोता है, लेकिन अब तो मेरे बेटा नहीं है तो पोता भी नहीं होगा, तो मेरा नाम ही खत्म हो जाएगा संसार में। ये बात राजा राम ने कृपा राम से बार बार पूछने पर कही, कृपा राम के बार बार पूछने से कही, तब कृपा राम ने सोचा और कहा कि राजा राम तेरा नाम अमर रहेगा, लोग तेरा नाम कभी नहीं भूलेंगे। तब राजा राम ने कहा कि साहब नाम कैसे नहीं भूलेंगे, कौन मेरा बेटा पोता होगा जो मेरा नाम रखेगा, उनके कारण नाम चलेगा मेरा, कि तेरा नाम चलेगा। आपको मालूम है बच्चों, गांव में भी शहरों में भी आज भी पहले बहुत ज्यादा होता था, नाम बिगाड़ दिया जाता था। जैसे किसी का नाम कालू राम होता तो काया कर दिया जाता, लालू का लालिया कर दिया जाता, श्याम का श्यामा कर दिया जाता, नाम बिगाड़ने की प्रथा थी। तो राजा राम को राजिया के नाम से जानते थे। तब उन्होंने कृपा राम से कहा, कृपा राम ने कहा राजा राम से कि राजा राम मैं जो भी सोठा लिखूंगा, दोहा लिखूंगा, उसमें तेरा नाम आएगा। तो बच्चों ये जो राजियाला सोठा में कितने सोठे हैं? 140। इन 140 सोठों में प्रत्येक सोठे के अंत में राजिया शब्द है। क्या शब्द है? राजिया। राजिया का मतलब राजा।
दुनिया के पहले कवि थे जो अपना नाम न लिखकर अपने सेवक का नाम लिख रहे हैं। वाकई सेवक राजा राम को जो कहा कृपा राम ने उस बात को सही सिद्ध कर दिया। राजा राम भी चले गए, कृपा राम भी चले गए, लेकिन आज भी हम क्या पढ़ते हैं, राजिया राजा पढ़ते हैं। यानी राजिया राजा राम का नाम आ रहा है, कृपा राम का नाम नहीं आ रहा। पहले दुनिया के कवि हैं, लेखक हैं, जो अपने नाम को महत्व नहीं देगा। तो आपने पढ़ा पिछले चैप्टर्स में सूरदास का नाम आ रहा है, सूर देव सेनापति सबने अपना अपना नाम लिखा है, लेकिन पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने नाम को महत्व नहीं देकर अपने विश्वसनीय सेवक के नाम को महत्व दिया, उसकी चिंता खत्म। समझ में आ गई घटना, जिसको राजियारा सोटा क्यों कहते हैं, कितने मूल रचना कौन थी इनकी, राजियारा सोटा कितनी रचनाएं लिखी, राजियारा सोटा चाल कनेसी और अलंकार ग्रंथ, राजियारा सोटा में कितने सोटे हैं 140। कृपाराम का जन्म कब हुआ, 1864 में, कहां पर, पाली जिले के खराड़ी गांव में। खराड़ी गांव में जन्म होने के कारण इन्होंने क्या लगाया, इनके पिता ने जगराम ने खराड़ी गांव में होने के कारण खिड़िया कर लिया, तो इनका नाम कृपाराम चारण से कृपाराम खिड़िया हो गया। इनके पिता का नाम जगराम था, जाति क्या थी, चारण। क्या जाति थी, चारण। क्या रचना, राजा रसोटा, ये गांधी इनकी रचना है, जिसमें किसके बारे में लिखा है, राजिया के बारे में। किस नरेश के आ रहे हैं ये, सीकर नरेश, पहले देवी सिंह के आ रहे हैं और फिर राजा लक्ष्मण सिंह के पास रहे। इनको दो गांव जागीर में मिले, इनाम में मिले, कौन कौन से गांव, महाराजपुरा और लक्ष्मणपुरा। लक्ष्मण मत कर देना, लक्ष्मण लक्ष्मण है, छह मत कर देना, यह मैंने पूरा वापस आपको समझा दिया, देखो बुक में। राजियारा, ये जीवन परीक्षा का अंतिम पैराग्राफ, राजियारा सोटा राजस्थान भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। संबोधित करके कहा गया है, पहली रचना है राजस्थानी भाषा की जो संबोधित करके लिखी गई। हिंदी में तो कई रचनाएं हैं, इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है बच्चों, डिंगल। अब इसमें एक बात आती है, डिंगल क्या होती है, जिस भाषा में डींग हांकी जाती है वो डिंगल भाषा है। क्योंकि पहले युद्ध होते थे तो जो कवि होते थे राजाओं के साथ होते थे, राजाओं के लिए लिखते थे। अब युद्ध का वर्णन करेंगे तो वो युद्ध का वर्णन तो बढ़ा चढ़ा कर लिखना होगा, बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे तो एक तरह से ये होगा, डींग हांकी जाएगी, लंबी चौड़ी फेंकी जाएगी, जैसे कोई राजा शिकार करने गए, डिंगल का मतलब साहब कोई राजा शिकार करने गए। अब शिकार करने जब राजा गया तो राजा कमजोर है, कायर है, उसे कुत्ता नहीं मारा शिकार में, एक कुत्ता नहीं मारा। अब कभी ये थोड़े लिखे साहब हमारे राजा से तो कुत्ता भी नहीं मारा, तो कभी तो बड़ा चढ़ा कर लिखेगा कि साहब हमारे राजा शिकार करने गए, एक ही बाण में 7 से 3 हाथी 4 हरिण इनका शिकार कर दिया, मतलब बड़ा चढ़ा कर लिख दिया। जबकि कवि को भी मालूम है और जो सेना के सैनिक है उनको भी मालूम है कि एक कुत्ता नहीं मारा हमारे राजा ने, फिर भी कवि को तो रुपया लेना है, पैसा लेना है, तनख्वाह लेनी है, अपना इनाम लेना है, इसलिए बड़ा चढ़ा कर लिखना ही होगा। ये होता था डिंग हांक। पाठ परिचय, इसमें वही जीवन की शिक्षा दी गई है, अच्छा जीवन जीने के तरीके बताए गए हैं, ज्ञान की बातें बताई गई हैं, किस तरह के काम करने चाहिए जिससे व्यक्ति का जीवन अच्छा सुंदर हो सके और सम्मान से वह जी सके, सुख से वह जी सके। संकलित अंश में कवि ने हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व, हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व, सत्संगति का लाभ, अच्छी संगत से क्या लाभ होता है, आपदा से पूर्व प्रबंधन को महत्व को स्पष्ट किया, संकट आने से पहले योजना बना लेनी चाहिए। इसमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर और मधुर वचन बोलने का आग्रह किया है, उपदेश दिया है, भाई मानव जीवन है, वाणी को, मानव जीवन में वाणी का बड़ा महत्व है बोलने का, तो व्यक्ति बोले तो उसको हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और मीठे वचन ही बोलने चाहिए, मधुर वचन ही बोलने चाहिए, कड़वी बात कभी नहीं बोलनी चाहिए। कवि के अनुसार एक आदर समाज में गुणों की पूजा होती है, एक अच्छा समाज वही माना जाता है जहाँ गुणों को महत्व दिया जाता है,
आदर समाज में गुणवान व्यक्ति कोई पूजा जाता है, गुणवान व्यक्ति की कद्र होती है, महत्व होता है, सम्मान इज्जत होती है। इन श्लोकों में कवि की विद्वता, बहुज्ञता एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है कि कृपाराम खिड़िया बहुत जानते थे, बहुत विद्वान थे और उनको बहुत जीवन का, संसार का, समाज का बहुत गहरा अनुभव था। इस बात की झलक मिलती है। बच्चों, ये आपके कवि परिचय और पाठ परिचय मैं आपको समझा चुका हूँ। शेष जो है आगे का चैप्टर शुरू करना है, ये लगभग 2 से 3 दिन लगेंगे और ये हमारा अध्याय पूर्ण हो जाएगा। कल से मैं सोर्टे शुरू कर दूँगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जब मैं सोर्टे पढ़ाऊँ तो निश्चित रूप से आपको बुक और पेंसिल या पेन लेकर बैठना है। जहाँ आपको कठिन लगेगा ऑनलाइन क्लास में, वहाँ आप लिखते जाएंगे, वैसे तो इसमें देखते जाओगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।